पूरा बढ़िया से हो गया है, मेरे को लग रहा है नीचे है। सो पता चला है कि हाइट मेजर की हमने और 6 इंच ये खड्डा गहरा बन गया है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, बैक टू माई चैनल। और आज है बुधवार और आज हम कम पूरा दिन का करवाने वाले हैं वॉलीबॉल के नेट का, जो कि काफ़ी दिन से पेंडिंग था और आपको दिखाया भी था। सो शो यू द फुल वीडियो। मट्टी निकालो ना फावड़ा से, जब निकालते जाओ एक ही तरफ करते हैं, बहुत है। सिर्फ ये वाला खींच लेते हैं बाहर, वो बाजू कभी बैडमिंटन खेलना हुआ ना दूसरे बाजू, तो दूसरा डंडा लगा के कर सकते हैं। ये इतना पीछे ले लेंगे, बहुत है, ठीक है ना। गैप थोड़ा बहुत तो रहेगा ही ना। तो फाइनली खड्डा खुद गया है, अब देखते हैं एडजस्ट करते हैं। मसाला साइड में आ जाएगा, चलेगा, बस मुझे हाइट ऊपर नीचे नहीं कर सकता। माल हो गया मिक्स, खड्डा हो गया, मेन है लेवल करना। अच्छा ये तो पूरा बढ़िया से हो गया, मेरे को लग रहा है नीचे है। ये ज्यादा गहरा नहीं है, ये ज्यादा गहरा है, फिर अपने को ईंट या कुछ रख के उसको ऊपर करना पड़ेगा। सो पता चला है कि हाइट मेजर की हमने और 6 इंच ये खड्डा गहरा बन गया है। खर ऐड करने पड़ेंगे, 6 इंच की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा। फाइनली हो गया लेवल रेडी, कम मैंने जैसे कि सोचा था हाइट। सो मॉर्निंग बैक गाइस, और पोल का शिफ्टिंग का काम तो हो गया था। उसके लिए मैंने एक और एसेसरी मंगाई थी जो कि है विंचिंग, वायर को टेंशन में रखने के लिए है, वो अभी आ गई है। और उसकी अभी हम करेंगे बॉक्स की ओपनिंग। सो लेट्स सी क्या आया है एंड हाउ टू फिक्स इट। ओके, यहाँ से वायर के साथ आया है। सो फाइनली वी हैव रिसीव्ड, होपफुली हम इसको नट बोल्ट से टाइट करके भी लगा सकते हैं। और एक और प्रोडक्ट जो मंगाया था मैंने वो है ये शीव भी ज़रूरी है बिकॉज जो इसको अनबॉक्स कर लिया मैंने। ये रही शीव, थोड़ी ऑकवर्ड सी आई है बट चलेगा। इसमें वायर जाएगी और ये वायर बेसिकली इसके ऊपर ऐसे रन करेगी ताकि फ्रिक्शन ना हो और वायर खराब ना हो। बाकी का काम ग्राउंड पे। गाइज वेलकम बैक, आज है सैटरडे और 2-3 दिन हो गए हमारे पोल शिफ्टिंग का काम तो ख़त्म हो गया था उस दिन। आज उसके ऊपर की व्हील लगने का टाइम आ गया है। फाइनली हमें कोई मिला जो काम करने के लिए रेडी है, तो उसका काम चल रहा है। लेट मी शो यू हाउ। सो ऊपर का जो नोक दिख रहा है ये, इसको कट करेंगे और उसमें व्हील डालेंगे। और वो जो रैचेट आया है उस रैचेट को नीचे फिक्स करेंगे। देखो अभी आप ये जो वायर है, अभी जो इसमें अगर वायर घिसा ना तो पीछे से इसको लगते हुए आएगा। नहीं आया, नहीं ले जाना, नहीं वो ऊपर नहीं लगाना, वो तार को, तार इतना लंबा है भी नहीं वैसे भी। उसको ऊपर से ऐसे टांग के दूसरा बाजू छोड़ दो, बस ठीक है। पर इसको और अच्छे से वेल्डिंग कर देना ताके पे मत, क्योंकि वायर कटे नहीं, इसके लिए एक्स्ट्रा रॉड रखो। ग्राउंड सरफेस हेल्प करता है कि वायर को कटे नहीं। सो फाइनली ख़त्म हो गया काम। अब शाम को आएंगे सब लोग और लगाएंगे नेट। सी यू देन। तो गाइज हो गई है सैटरडे की शाम और नेट भी लग गया है, बहुत आसानी से लग गया। मुझे तो लगा था बहुत टाइम लगेगा, बट यू कैन सी इन दी बैकग्राउंड केवल दो आदमियों से। ये रहे पांडे जी, हाय पांडे जी। पांडे जी ने और मैंने दोनों ने मिलके ही लगा दिया तुरंत ये, और बाकी फ्रेंड्स भी आए हैं बट उनकी आने से पहले ही लग गया। ज़रूरत नहीं है बट एक प्रोत्साहन मिलता है, लोग आते हैं तो। बट बहुत जल्दी हो गया काम एंड वी आर रेडी टू प्ले टुमारो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।